एक जगह का रिजल्ट जो वैसे भी पहले से अनुकूल ही लग रहा था, वहां का नतीजा तो समझिए आज ही निकल ही गया कि तारापुर में क्या होने वाला है। बिहार में हो रहे दो विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान कई उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। बिहार की राजनीति के ताजा घटनाक्रम में शकुनी चौधरी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी जदयू में शामिल हो गए हैं। जी हां, बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी जदयू में शामिल हो गए हैं। बिहार के दिग्गज राजनेता शकुनी चौधरी के पुत्र रोहित चौधरी, जो सम्राट चौधरी के भाई भी हैं, ने मंगलवार को पार्टी के कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह में जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। रोहित चौधरी को पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शामिल कराया। मौके पर विजय चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। जदयू में शामिल होने के बाद रोहित चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति आस्था को मन में रखकर मैं जदयू में शामिल हुआ हूं। वहीं विजय चौधरी ने कहा, पहले से ही तारापुर की सीट हम लोगों के लिए आसान थी और अब रोहित चौधरी के शामिल होने से जीत पूरी तरह से पक्की हो गई है। दरअसल तारापुर में कुशवाहा समाज का एक बड़ा वोट बैंक है और रोहित चौधरी कुशवाहा समाज से ही आते हैं। साथ ही बिहार के दिग्गज कुशवाहा नेता शकुनी चौधरी के वो पुत्र हैं। शकुनी चौधरी की तारापुर में गहरी पकड़ है और उनकी मर्जी से कुशवाहा वोटर अपना मिजाज बदलते हैं। एक जगह का रिजल्ट जो वैसे भी पहले से अनुकूल ही लग रहा था, वहां का नतीजा तो समझिए आज ही निकल ही गया कि तारापुर में क्या होने वाला है। इनके परिवार से ज्यादा तारापुर को कौन जानता है? एक एक घर, एक एक आदमी पहचाना हुआ है। और जब इन्होंने जैसा कहा कि पूरे जोर से लग जाएंगे, तो समझिए कि तारापुर का नतीजा तो पहले से जो अनुकूल था वो आज ही समझिए नतीजा निकल गया। और हम लोग जहां नजदीक से आते हैं, कुशेश्वर का भी मोटा मोटी वही हाल है जो आप लोग मूल के तारापुर का नजरिया बना चुके हैं कि जैसे गाय भैंस पे नथ चढ़ाया जाता है, वैसे विपक्षियों पे नथ चढ़ाना आता है। ये मैं नेतृत्व से बोलूंगा कि मौका दीजिएगा मुझे कि वैसा नथ मुझे भी चढ़ाने का मौका मिले। आप लोग आए, आप लोग के और हमारे नेतृत्वकर्ता के समक्ष आज मैं शामिल हुआ। जो भी कार्य मुझे मिलेगा सहर्ष स्वीकार होगा। धन्यवाद। शकुनी चौधरी जी तो बिहार के नेता रहे ही हैं, अब उनका आशीर्वाद लेकर जब उनके सुपुत्र रोहित चौधरी जी यहां उपस्थित हैं, तो तारापुर में तत्काल, बाकी बाद में पार्टी को जो भी लाभ हो वह भी होगा ही, लेकिन तत्काल अब तारापुर में जीत की बात नहीं। जीत तो पहले ही से सुनिश्चित थी ही, अब जीत का मार्जिन बढ़ेगा, भारी अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे, इतनी बात अब स्पष्ट है। जाहिर है उपचुनाव को लेकर जदयू कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। वहीं रोहित चौधरी के भाई सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के बड़े नेता हैं और साथ ही नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। बिग न्यूज के लिए अश्वनी कुमार, तारापुर से।